न्यू वीडियो ऑफ द GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे। चलिए देखते हैं आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या कहती है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है यार क्विक सॉर्ट, ठीक है, बहुत ही फेमस है और DSA डा अपने कॉलेज लाइफ में सभी ने इसको पढ़ा भी होगा। इंटरव्यू प्रॉब्लम्स में काफ़ी उन्हें फेस भी किया होगा और ये काफ़ी कंपनीज में आ भी चुका है, ठीक है। कंपनी टैग्स अगर देखें तो VMware, Amazon, Microsoft, Samsung, हाइक, ओला कैब्स, गोल्डमैन सैक्स, बड़ी बड़ी कंपनियों में इन सब में ये आ चुका है, तो मतलब क्वेश्चन तो अच्छा है। तो चलो क्विक शॉर्ट देखते हैं करता क्या है। यार क्विक शॉर्ट इज डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम। इट पिक्स एन एलिमेंट एज अ पाइवट एंड पार्टीशंस, पाइवट है, परवर्ट नहीं है, ठीक है, कहीं गलत समझो, एज अ पाइवट एंड पार्टीशंस द गिवन एरे अराउंड द पिक्ड पाइवट। गिवन एन एरे इट्स स्टार्टिंग पोजिशन इज लो एंड इट्स एंडिंग पोजिशन इज हाई, ठीक है। क्विक सॉर्ट क्या करता है, मान लो जैसे कोई नंबर है 7, 8, 9, 1, 4, 3, ठीक है, इसमें से कोई एक एलिमेंट को पाइवट चुन लेगा, ठीक है। मान लो जैसे 7, 7 को चुन लिया। अब 7 के लेफ्ट में जो भी होंगे वो इसके स्मॉलर एलिमेंट होंगे, सॉर्टेड होंगे नहीं होंगे नहीं मालूम, लेकिन जो भी होंगे 7 से छोटे होंगे लाइक 1, 4, 3, और इधर जो भी होगा वो 7 से बड़े होंगे लाइक 8 एंड 9, ठीक है। यार एग्जाम्पल ही ऐसा है, इसमें तो कुछ है लाइक 1, 10, 9, 7 और 5, 6, ठीक है, इस तरीके। मान लो अगर मैंने 7 को ये चुन लिया पाइवट, तो 7 के लेफ्ट में जो भी होंगे 7 से छोटे और राइट में जो भी होंगे 7 से बड़े। लाइक 7 से छोटे कौन कौन है, 1, 5, 6, 1, 5, 6 मेरा यहाँ आ गया। 7 से बड़े कौन कौन से हैं, 9, 10, यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा, ये फिर से डिवाइड एंड कंकर करेगा, मतलब इसने 7 को तो सेट कर दिया, 7 को क्या कर दिया, सेट कर दिया उसकी जगह पर, कि अब इसकी जगह ये फाइनल है, ये तो फाइनल हो गया कि भाई अब इससे इधर छोटे हैं इससे बड़े इधर हैं, लेकिन क्या पूरा एड्रेस सॉर्टेड नहीं है। तो अब हम और को भी एज अ पाइवट चुनेंगे और उनको अपनी पोजीशन देंगे, मतलब क्या करना है, ये लाइक बकेट है इसमें से उठाना है, अब उनकी सही जगह पर उसको रखना। मान लो ये एरे है, ये बकेट में नंबर्स हैं, इसको उठाना है, इसको सही पोजीशन पर रखना है कि हाँ भाई इससे इधर छोटे होंगे इससे इधर बड़े होंगे, फिर इसको उठा के इधर रखना है कि इससे छोटे इधर इससे बड़े इधर, फिर इसको उठा के इधर रखना है इससे। तो इस तरीके से हमारा ये क्विक सॉर्ट काम करता है, ठीक है। अब मान लो मैंने 7 को उठाया, 7 को पोजीशन ये दिया और इधर सारे छोटे कर दिए, इधर बड़े कर दिए। अब मैं इधर लेफ्ट वाले में किसी को चुनना होगा, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट वाले में 5 को चुनता हूँ, तो 5 की पोजीशन अपने सेट है 1, 5, 6, वो बिल्कुल सेट है, 5 की पोजीशन उठा के 5 को दे दी, 6 की उठा के 6, 1 को उठा के 1। अब इधर देखो तो राइट में 9 और 10, अपनी वैसे बकायदा ये कैसे होना चाहिए था 10 और 9। अब मुझे क्या करना था, अब मैं किसी पाइवेट को इन दोनों में से किसी को भी चुनता, लाइक 9 उठा लिया, अब 9 के इधर क्या होना था, 7 छोटा होना था, तो इधर कौन आएंगे, यही 1, 5, 6, 7, ये तो ऑलरेडी है सॉर्टेड, अब इधर कौन आएगा, 10। तो इस तरीके से हमें अपने एरे को सॉर्ट करना है क्विक सॉर्ट में। ये सिंपल सा ओवरव्यू था, अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से हमारा ये काम कर रहा होगा, ठीक है। चलो अपनी स्क्रीन पर आते हैं, यहाँ पर क्या करना है यार, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि 10, 80, 30, 70, ठीक है, या फिर अभी इसमें जो हमारा एग्जाम्पल गिवन था उसको भी लिख लेते हैं 4, 1, 3, 9, 7। अब इसको उठाते हैं, मान लो इसमें से, इसमें ना देखो इसमें भी तीन तरह के होते हैं कि पाइवेट हम लास्ट को चुन लें, लास्ट एलिमेंट को पाइवेट चुन लें और फिर उस लास्ट को यहाँ लगाएं और इधर लेफ्ट में इधर राइट में, या फ्रंट एलिमेंट को चुन लें कि फ्रंट में 10 आ जाए और इधर छोटे इधर बड़े, या कोई मिडल एलिमेंट को चुन लें, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, पाइवेट अपना एलिमेंट हम किसी को भी बना सकते हैं। तो चलो अगर मान लो जैसे मैंने 70 को अपना पाइवेट बना लिया, तो अब क्या करेगा ये, 70 से छोटे इधर कौन कौन है, 10, 30, 70 से बड़ा कौन है, 80। तो क्या ये शॉर्ट हो गया, यार ये तो शॉर्ट हो गया, तो एक ही बारी में शॉर्ट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक ही बारी में शॉर्ट हो गया। अब करना क्या, अब मान लो ये है, ये हमारा, अब मान लो मैं इसमें किसको, 7 को, मतलब लास्ट एलिमेंट ले रहा हूँ, तो इधर से 7 को अगर मैंने चुन लिया एज अ पाइवट, तो लेफ्ट में कौन कौन आ जाएंगे, 7 से छोटे कौन कौन है, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 7 से बड़ा कौन है, 9, ठीक है, इधर 9 आ गया, इधर 4, 1, 3। अब ये डिवाइड एंड कंकर है, डिवाइड एंड कंकर का मतलब क्या होता है, रिकर्जन, मतलब बांटो और राज करो। अभी 7 को तो ये एक इधर हिस्सा इधर बढ़ गया, एक हिस्सा इधर बढ़ गया, तो डिवाइड कर दिया, अब इसको कंकर करना है और इसको करना। अब यार पाइवेट चुनने के लिए दो एलिमेंट तो होने चाहिए, चुनने के लिए दो तो होने चाहिए, अगर अकेला है तो चुनने की नौबत है क्या, नहीं है, तो ये तो एज इट इज यहीं रहेगा, ठीक है, ये एज इट इज यहीं हो गया। अब 4, 1, 3 में इसमें क्या करना है, इसको ये कंकर हो चुका है, ये डिविडेंड कंकर हो चुका है, अब इसको जिसको डिवाइड किया था इसको क्या करना है, 3 को एज अ पाइवेट चुनो।
अब 3 से छोटे इधर कौन कौन है, 1, 3 से बड़ा कौन है, 4, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे 1 3 4 7 9, ये मेरा एलिमेंट, ये मेरा एरे आ गया, क्या करने, सॉर्ट करने के बाद, ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिवाइड एंड कंकर हुआ। कैसे हुआ देखो, अब इधर मान लो क्या हुआ था 7, अब इधर वाले हिस्से में कौन कौन आया था, 1 4 3 और 9, तो मान लो अगर 7 है तो 1 4 1 3 और 9, ठीक है, इधर से क्या मिला, 3 को वो करा था तो इधर 1, इधर 4 और इधर 9, तो अब इसको सॉर्ट करेंगे तो 1 3 4 7 9 सॉर्ट, ठीक है। अब इसको करते कैसे, ये तो चलो थ्योरिटिकल हो गया कि हाँ भैया थ्योरी तो कोई भी बता देगा, थ्योरी कोई भी कर लेगा, चलो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा हमारा सॉल्विंग पार्ट, ठीक है, अब चलो इसको देखते हैं करते कैसे, ठीक है। जैसे यही है, इसको इधर लिखता हूँ 10 80 30 70, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं सूडो कोड लिखूंगा और यहाँ पर उसकी एप्लीकेशन दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक अपना पाइवेट चुन लें, पाइवेट मान लो, ठीक है, पाइवेट एलिमेंट मैंने क्या चुन लिया अपना, 70 चुन लिया, ठीक है, 70 मैंने क्या कर दिया, पाइवेट अपना एलिमेंट चुन लिया। अब मुझे ट्रैवर्सिंग तो करनी है, ये मेरा लो हो गया और ये मेरा हाई हो गया, ठीक है, ऑब्वियसली ट्रैवर्सिंग तो करूँगा तभी मुझे पता लगेगा कौन छोटा है और कौन बड़ा है, तो ठीक है। अब जैसे छोटा मिलता जाएगा मुझे अपनी छोटे वाली विंडो को बड़ा करते जाना, और बड़ा मिलता जाएगा तो अपनी बड़ी वाली विंडो को बड़ा करते जाना, 70 की पोजीशन मेरी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो मेरा ये 70 पाइवेट है और एक आई होगा, क्या लो -1 उसको दे देंगे हम, ठीक है, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, आई की, आई मेरा भी यहाँ पर रिसाइड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर मेरा आई है, ठीक है। और जे मेरा कहाँ से शुरू होगा, जे मेरा लो से हाई तक चलेगा, ठीक है। अब मुझे उसमें क्या करना है, देखो यहाँ से अब हमारी मेन कहानी शुरू होगी कि अब करना क्या है, ये मेरा जे हो गया, ठीक है, मुझे फॉर जे इक्वल्स टू लो से लेकर, मतलब लो से लेकर हाई तक जाना, ठीक है। अब इसमें बस बहुत छोटा कोड होगा, ठीक है, जो हमारा एक बार पाइवट चुन के उसको सही पोजीशन पे बिठाएगा, बाकी हमें क्या करना है, बाकी रिकर्जन करना है, वो भी 3 लाइन का कोड है और ये 4 लाइन का कोड है, कोड बहुत ईजी है, बस लॉजिक समझना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, अब हमें कि देखना है कि अगर मेरा जो भी एरे ऑफ जे है, मतलब ये मेरा एरे है, अगर मेरा एरे ऑफ जे लेस देन पाइवेट आ रहा है, अगर मेरा एरे ऑफ जे मान लो ये मेरा एरे ऑफ जे है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं जे की आइट्रेशंस लिख देता हूँ, कितने, 0 1 2 3, 0 1, जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3। अब अगर मेरा जे इक्वल टू 0 है तो यानी कि 10 लेस देन 70 है मेरा, क्या मेरा 10 लेस देन 70 है, हाँ है, तो मुझे क्या कर देना है, आई प्लस प्लस कर देना है, आई मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आई मुझे क्या कर देना है, प्लस प्लस कर देना है और स्वैप कर देना है एरे ऑफ आई को विद जे से, मतलब एरे ऑफ आई को जे से स्वैप करने का मतलब है अगर जो छोटा है उसको वहीं रखो, इसका मतलब बस ये है कि जो छोटा है अगर 10 70 से छोटा है तो 10 को वहीं रखो क्योंकि वो 70 से छोटा है और मुझे 70 की पोजीशन फिक्स करनी है, ना कि अभी 10 की, क्योंकि मेरा पाइवेट जो है अभी 70 है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अब आई मेरा क्या हो गया, प्लस प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, आई मेरा जे के इक्वल हो गया, आई मेरा यहाँ था, जे मेरा यहाँ था, आई मेरा जे के इक्वल हो गया, तो क्या कर देना है, एरे ऑफ आई को एरे ऑफ जे के साथ स्वैप कर देना है, क्या कर देना, आई प्लस प्लस किया और स्वैप कर देना है किसको, एरे ऑफ आई को एरे ऑफ जे के साथ, ठीक है, इतना कर देना है, ठीक। क्या करना है, अगर 10 70 से छोटा था, हाँ, तो आई प्लस प्लस कर दो और एरे ऑफ आई को एरे ऑफ जे से स्वैप कर दो, तो क्या 10 अपनी जगह रहेगा, हाँ 10 अपनी ही जगह रहेगा, ठीक है, 10 यहीं रहेगा। अब क्या कर देना है, जे प्लस प्लस हो गया, अब जे मेरा क्या हो गया, यहाँ आ गया, ठीक है, अब जे मेरा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, आई मेरा यहीं है, क्या मेरा 80, अब क्या मेरा 80 70 से छोटा है, 80 मेरा 70 से छोटा नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं करना, आई मेरा यहीं रहेगा 80 के पास, कि भाई मुझे पता है 80 मेरा, मुझे कुछ नहीं करना, आई मेरा 80 के पास रहेगा क्योंकि 80 मेरा क्या 70 से बड़ा है, मुझे 80 को हटाना है यहाँ से कुछ भी करके, ये मेरे लिए बाधा है, 80 को हटाना है और उसको कहाँ पहुँचाना है, दूसरी पार पहुँचाना है, ठीक है। अब क्या करना है कि क्या मेरा जे, अब मेरा क्या हो गया, जे यहाँ पर आ गया, क्योंकि जब अगर अगर एलिमेंट जो है 80 जो है बड़ा है, छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, तो मुझे क्या कर दो, उसको वहीं छोड़ो कि उसको मैं उठा के बाद में रख दूंगा कहीं, तो कुछ नहीं करना। फिर मैं आगे बढ़ा, क्या मेरा 30 70 से छोटा है, हाँ मेरा 30 70 से छोटा है, तो मुझे क्या करना है, आई प्लस प्लस, ठीक है, मतलब आई मेरा कहाँ था, आई मेरा 10 पे था, अब मेरा आई प्लस प्लस हो जाएगा 80 पे, ठीक है,
आई मेरा क्या हो जाएगा, पहले मैंने यहाँ पे प्लस प्लस किया था तो मेरा यहाँ पर आ गया था, 10 पे आ गया था। अब यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, अब यहाँ पे प्लस प्लस करूँगा तो आई कहाँ पर आ गया, 80 पे। 80 पे अगर आ गया तो अब मुझे क्या करना है, 30 वाले के साथ स्वैप करना है, क्योंकि मुझे पता है अब 30 मेरा 70 से छोटा है और 80 मेरा बड़ा है, तो मुझे इधर से स्वैप करो कि भाई छोटे एलिमेंट 70 के इधर ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा, 10 अब स्वैप कर दूंगा तो 30 यहाँ हो जाएगा, 80 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। अब मेरा क्या होगा, जे प्लस प्लस, अब मेरा आई कहाँ है, अब मेरा आई यहाँ है 80 के पास। ठीक है, पहले कहाँ था, यहाँ से यहाँ आया था, अब दूसरे से अब मैं यहाँ से आया है, अब मेरा आई कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अब मेरा जे क्या हो गया, 70 के पास। अब मेरा क्या, अब यहाँ पे ख़त्म हो गई कहानी, यहाँ पे ख़त्म हो गई। जब एंड में अगर पहुँच जाता है, तो जब एक बार लूप ख़त्म हो गया, लूप ख़त्म होने के बाद मुझे फिर से क्या करना है, स्वैप करना है किसको, एरे ऑफ आई को एरे ऑफ जे के साथ। आई मेरा कहाँ है, 80 पे, 70 कहाँ है, यहाँ पे। तो अब मैं दोबारा से स्वैप करता हूँ तो 80 मेरा किससे स्वैप हो जाएगा, 70 से, 80 मेरा 70 से स्वैप हो जाएगा, 70 को अपनी पोजीशन मिल गई। इतना क्लियर है, इतना क्लियर। मैं दोबारा बताता हूँ ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा क्लियर होगी अगर इफ़ इन केस कोई भी कन्फ्यूज़न है तो। ठीक है, J0, J1 और J2। ठीक है, आई मेरा भी कहाँ है, आई मेरा यहाँ है। ठीक है, आई मेरा अपना यहाँ है और जे मेरा यहाँ है। ठीक है, जे मेरा ये रहा। अब मुझे क्या देखना है, क्या एरे ऑफ जे, अगर मेरा एरे ऑफ जे अगर पाइवेट से छोटा है, क्या मेरा 10 पाइवेट से छोटा है, हाँ, तो मुझे क्या करना है, आई प्लस प्लस कर देना और स्वैप कर देना है। आई प्लस प्लस किया तो मेरा आई कहाँ गया, 10 पे। स्वैप किसके साथ करना है, एरे ऑफ जे के साथ, एरे ऑफ जे भी मेरा क्या है, 10। तो 10 को 10 के साथ स्वैप करा तो क्या मिला, 10 मिला। फिर मेरा क्या हो गया, जे प्लस प्लस हो गया। क्या मेरा 80 70 से छोटा है, नहीं है, तो मुझे कोई ऑपरेशन करना है, नहीं करना है, तो मेरा आई यहीं है, जे यहाँ। अब मेरा क्या हो गया, अब नेक्स्ट जे मेरा कहाँ गया, 2 पे। ठीक है, अब मेरा क्या 30 70 से छोटा है, हाँ है, तो मुझे क्या करना है, आई प्लस प्लस कर देना है। आई प्लस प्लस हो गया तो मेरा कहाँ आ गया, आई 80 पे, और स्वैप कर देना। फिर स्वैप कर दूंगा किसके साथ, एरे ऑफ जे के साथ, मतलब एरे ऑफ जे क्या है मेरा अभी 30 है, तो 30 और 80 को क्या कर दिया, आपस में स्वैप कर दिया, 30 और 80 को आपस में क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जब चला जाएगा तो मेरा क्या हो गया, 70 एंड में आ गया। अब मैं किसी के साथ चेक नहीं करूंगा, जब मेरा फॉर लूप पूरा खत्म हो जाएगा, जब मेरा लूप पूरा खत्म हो जाएगा तो मुझे लास्ट में क्या कर देना है, लास्ट में एरे ऑफ आई प्लस वन, आई प्लस वन से पहले गलती कर दी थी मैंने, आई बोला तो आई मेरा यहाँ था, अब मेरा आई प्लस वन क्या हो गया, यहाँ आ गया। तो 30 के साथ 70 को स्वैप कर देना है, मतलब सॉरी, आई प्लस वन यहाँ आ गया और यहाँ पर क्या है, 80 है। ठीक है, आई यहाँ था फिर यहाँ आया, स्वैप इन दोनों को स्वैप किया तो वैल्यू यहाँ आ गई। अब आई प्लस वन क्या हो गया मेरा, ये हो गया, और 70, 80 को 70 के साथ क्या कर दो, स्वैप कर दो, 80 को 70 के साथ स्वैप कर दिया, तो ये आ गया 10 30। तो ये तो एक ही बार में सॉर्ट हो गया। इतना क्लियर है कि ये मेरा फंक्शन क्या कर रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि हमें सॉर्टिंग, मतलब पाइवेट को अपनी जगह कैसे देनी है, पाइवेट को अपनी जगह कैसे देनी है, ये हमें पता लग गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये जो हमने पार्टीशन किया, इसमें क्या कोड लिखना है, इसमें यही कोड लिखना है कि हमें क्या करना है, अपने आई को लो माइनस वन दे देना। ठीक है, और हमें चेक करना है फॉर हाई तक जाएंगे, अगर मेरा मतलब जो भी वहाँ कोड लिखा वो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, रिकर्जन, कि वहाँ पर एक पाइवेट को अपनी जगह दे दी, अब यहाँ इस वाले कोड से हर एक पाइवेट को अपनी अपनी जगह पर बैठाना है। ठीक है, तो इस वाले कोड में हमें क्या लिखना है, ठीक है, उस वाले में क्या होगा, पहले हमें क्या करना है, उस वाले कोड में हमें एक पाइवेट चुनना है। पाइवेट चुनेंगे तो उससे क्या होगा, पाइवेट चुनेंगे, ठीक है, पाइवेट को अपनी जगह देंगे। और जब जैसे दूसरे एग्जाम्पल पे देखें, अभी जो हमारा एक्चुअल में एग्जाम्पल गिवन है, देखो थोड़ा वीडियो जा सकता है 20-22 मिनट का, उसके बाद क्योंकि कोड भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कोड एक्चुअल में यही है और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बताना था। तो यहाँ से एग्जाम्पल 41397, ठीक है, यहाँ कैसे करना है, 41397। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इसी कोड से हमें क्या करना है, 7 को चुन लेना है। ठीक है, मेरा पाइवेट क्या है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, अब अगर मेरा पाइवेट 7 है और मुझे पार्टीशन कैसे करना है, कि पाइवेट चुन लिया, पाइवेट के बाद चुनने के बाद उसको जो अपनी पोजीशन मिल जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी, अभी बताएंगे क्या होगा। देखो पाइवेट अब मेरा यहाँ पर क्या है, 7 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आई मेरा यहाँ है, जे मेरा यहाँ है, तो क्या मेरा अब एरे ऑफ ये जे इक्वस टू 0, जे इक्वस टू 1, जे इक्वस टू 2, जे इक्वस टू 3, जहाँ तक भी होगा देखते हैं। ठीक है, 2x में देखना है ये वीडियो, 2x या 2.5x में, तब जल्दी तुम्हारा कवर हो जाएगा। तब क्या करना है, 7 है,
अब क्या मेरा फोर सेवन से छोटा है? फोर सेवन से छोटा है, हाँ है, तो क्या कर दो, आई प्लस प्लस कर दो और स्वैप कर दो। तो स्वैप करोगे तो फोर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आई मेरा कहाँ आ गया, आई मेरा यहाँ आ गया। अब मेरा क्या होगा, जे यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर वाला आई है, नीचे वाला जे है, ठीक है। अब मेरा जे यहाँ आ गया। अब क्या वन मेरा सेवन से छोटा है, हाँ है, तो आई प्लस प्लस और स्वैप कर दो, तो वन वन रहेगा। अब फिर क्या जाएगा, क्या थ्री मेरा सेवन से छोटा है, हाँ, तो आई प्लस प्लस और स्वैप कर दो, तो थ्री मेरा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब क्या आएगा नाइन, क्या नाइन मेरा सेवन से छोटा है, नहीं, तो इसको यहीं रहने दो, ठीक है, इसको यहीं रहने दो। आई मेरा कहाँ आ गया, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, आई प्लस 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 प्लस, तो आई मेरा भी यहाँ आ गया, ठीक है। और जे मेरा अब क्या कहाँ था, यहाँ था। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, नाइन मेरा बड़ा है, तो मुझे क्या करना, कुछ नहीं करना, अब नेक्स्ट जाना। अब यहाँ तो कहानी खत्म हो गई, जब कहानी खत्म होगी, फॉर लूप अगर एक बार खत्म हो गया, तो मुझे क्या करना, लास्ट में आई प्लस वन से स्वैप करना है लास्ट वाले को। तो आई प्लस वन क्या हो जाएगा, नाइन, नाइन और सेवन को आपस में स्वैप किया तो ये आ गया, ठीक है। जब इन दोनों को स्वैप किया तो ये मेरा बना, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिला, 4 1 3 7 9, यानी कि मुझे सेवन की पोजीशन मिल गई, सेवन की पोजीशन मिल गई, फिक्स हो गई। अब मुझे इन इन दोनों पे सेम करना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, इसकी पोजीशन रिटर्न करनी है। तो इंट पाइवेट की पोजीशन मेरी यहाँ पर आ जाएगी, ये 0 1 2 3 4, यहाँ से मुझे 3 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, 0 से लेकर 3 तक फिर से पार्टीशन करना है, और 4 से लेकर एंड तक फिर से पार्टीशन करना है। अगर एक एलिमेंट से तो रुक जाएगा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से पाइवेट रिटर्न कर देना पार्टीशन वाले उससे। अब जब मैं क्विक सॉर्ट करूँगा, क्विक सॉर्ट फिर से कहाँ लगेगा, इस पे लगेगा और इस पे लगेगा, ठीक है। अब इस पे लगेगा तो फिर से 4 1 3 पे कैसे लगेगा, थ्री को चुन लो, थ्री को चुना, तो इधर क्या मिलेगा, 4 1, इधर क्या मिलेगा, 4, और इधर एज इट इज रहेगा, तो 1 3 4 7 9, ये मेरा पूरा सॉर्ट हो गया, हाँ हो गया। इसी तरीके से मुझे उसमें भी करना है। अब देखो, अब मैं कोड बताऊंगा तो आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने इंटरव्यू में कभी अगर ये आता है तो आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। मुझे क्या करना है, पहले तो अपना पार्टीशन करना है कि जो भी मेरा पाइवेट है, एक पाइवेट लेना है और उसको क्या कर देना है, उसको अपनी पोजीशन पे सेट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपना पाइवेट वाला वो करना है, तो इंट पाइवेट, पाइवेट मेरा क्या हो जाएगा, एरे ऑफ हाई, ठीक है, एरे ऑफ हाई मेरा क्या हो जाएगा, पाइवेट हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया, इंट आई लेना, जिसको क्या कर देंगे, लो माइनस वन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मुझे फॉर इंट जे इक्वस टू, जे कहाँ से होगा, लो से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, जे इक्वस टू लो, एंड जे लेस देन इक्वस टू हाई तक जाएगा, ठीक है, माइनस वन, मतलब हाई, जे लेस देन हाई तक ही जाएगा, ठीक है। जे प्लस प्लस लेस देन हाई, क्यों, क्योंकि लास्ट एलिमेंट के बाद तो मुझे एक स्वैप देना ही है वैसे भी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर मेरा एरे ऑफ जे लेस देन, अगर पाइवेट हुआ, अगर मेरा एरे ऑफ जे लेस देन पाइवेट हुआ, तो मुझे क्या करना है, आई को प्लस प्लस कर देना है और स्वैप कर देना है एरे ऑफ आई विद एरे ऑफ जे, जो मैं बोल रहा था, क्यों, क्योंकि अगर वो छोटा है तो मुझे कुछ नहीं करना है यार, उसको खुद में स्वैप कर दो, ठीक है, ताकि छोटे वाले की पोजीशन वहीं रहे उससे छोटा, और अगर ऐसा नहीं है तो आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अब लास्ट में जब ये फॉर लूप एक बार मेरा खत्म हो जाता है, तो मुझे क्या कर देना है, कि जो भी मेरा लास्ट का एलिमेंट बचा था एरे ऑफ आई प्लस वन के साथ, उसको स्वैप कर देना है, क्योंकि पता उससे पिछला एलिमेंट क्या है, उससे छोटा होगा, ठीक है। क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, एरे ऑफ जे नहीं, यहाँ पर आएगा एरे ऑफ हाई, ठीक है। इन दोनों को स्वैप करने के बाद मुझे क्या देना है, जो भी मेरी पाइवेट की पोजीशन आई है, पाइवेट की पोजीशन क्या आएगी, रिटर्न आई प्लस वन, देखो यहाँ पर बता दूँ, पाइवेट की पोजीशन, अगर मेरा यहाँ पर मैंने क्या करा था, यहाँ पर मेरा आई था, मतलब यहाँ पर आई था, तो आई प्लस वन और इसको स्वैप कर दिया, तो आई प्लस वन क्या है मेरा ये, तो आई प्लस वन मेरा क्या है ये, तो आई प्लस वन ही मेरी पाइवेट की पोजीशन आई है ना, आई प्लस वन मेरी पाइवेट की पोजीशन आई है, तो रिटर्न यहाँ से क्या करना है, मुझे पाइवेट की पोजीशन मैंने क्या कर दी, रिटर्न कर दी। अब मुझे क्या करना है, एक पाइवेट की पोजीशन मिल गई, अब उस पाइवेट को यहाँ लो, ठीक है। पाइवेट क्या मिला, पाइवेट मुझे जो भी मैंने अपने पार्टीशन से सॉल्व किया वो उसने मुझे दिया होगा, ठीक है। और ये अगर, हाँ, ये भी कब काम करेगा, देखो अगर जैसे यहाँ नाइन बचा, तो इस नाइन पे मेरा रिकर्जन थोड़ी ना चलेगा, तो मुझे देखना है इफ़ लो लेस देन हाई, अगर मेरा लो हाई से छोटा हुआ तभी तो चलेगा। अब इसमें लो भी यही है, हाई भी यही है, तब इसमें कहाँ सॉर्ट करना है, तब तो कोई सॉर्ट नहीं करना, तो मुझे देखना है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट तो होने चाहिए, इसलिए मैं क्या चेक करूँगा, अगर मेरा इफ लो
लेस देन हाई हुआ, मतलब दो एलिमेंट तो एटलीस्ट मेरे होने चाहिए, तो मुझे क्या करना है, एक पाइवेट एलिमेंट निकालना है जो भी वहाँ से आया था, पाइवेट की पोजीशन, ठीक है। पाइवेट की पोजीशन क्या होगी मेरी, पार्टीशन, जो भी पार्टीशन फंक्शन में पार्टीशन फंक्शन में एरे लो और हाई को पास कराओ, तो वहाँ से ये आई प्लस वन रिटर्न करेगा कि यहाँ तक मैं एक पाइवेट को अपनी पोजीशन दे चुका हूँ। तो अब फंक्शन मुझे किसके लिए कॉल करना है, फंक्शन मुझे कॉल करना है क्विक सॉर्ट ऑफ एरे ऑफ लो से, लो से कहाँ तक, पाइवेट माइनस वन तक, पाइवेट माइनस वन तक, क्यों, क्योंकि पाइवेट सॉल्व है, तो पाइवेट माइनस वन और पाइवेट प्लस वन से लेकर हाई तक मुझे उसको दोबारा से कॉल करना है, ठीक है। क्विक सॉर्ट अब कहाँ, एरे से लेकर कहाँ तक, पाइवेट प्लस वन से हाई तक, ठीक है। इतना क्लियर है, आई होप दिस मेक सेंस टू यू, कि हमने क्या किया, लाइक जो 41397 सेवन की पोजीशन मुझे मिल गई थी, 413 एज इट इज़ रहेगा, 9 एज इट इज़ रहेगा, तो ये पाइवेट है, ठीक है। तो अब ये लो से लेके पाइवेट माइनस वन और पाइवेट प्लस वन से लेकर हाई तक ये मुझे कॉल करना है, ठीक है। चलो अब इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, होप सो कोई एरर ना हो, चल गया, चलो सबमिट करते हैं। तो यार दिस कोड वर्क्स प्रॉपरली, चलिए इसके साथ रैप करते हैं। अगर यार आपको सॉल्यूशन समझ आए हो, इफ़ आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अमंग योर फ्रेंड्स। चलिए इसी तरह रैप करते हैं, थैंक यू।